हेलो दोस्तों, आज की वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ दो आपके जो डाउट क्वेश्चन की। पहला आपका है कि हु इज द ऑनर ऑफ पबजी, तो पबजी के जो ऑनर कौन है जिसने इसे बनाया है। और दूसरा आपका सवाल रहता है क्या पबजी चाइना ऐप है। तो आज इस डाउट को मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको फुल वॉच करना है तो आपको समझ आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो है इसे जानने के लिए हमें पेक जाना होगा। पेक जब में जाते हैं तो सबसे पहले आप जान लो कि पबजी के जो बनने के पीछे कैसे बना है और इसके क्या है। तो पहले हम बात करते हैं इसके ऑनर। तो दोस्तों इसका जो ऑनर था वो है ब्रेडन ग्रे। तो ये जो ऑनर था जिसने इसे बनाया, तो दोस्तों इसे बनाने से पहले उसने क्या थी उसकी जो फैसिलिटी और कहाँ का रहना, तो उसको आपको बता दूँ कि ये साउथ के रहने वाले थे। और जो ब्रेडन, और आपको एक चीज में ध्यान देने वाली बात है कि एडन कोई गेम डेवलपर नहीं थे, वे फोटोग्राफी करते थे और थोड़ा वही वेब डिज़ाइन कर लेते थे। उनकी इस देखते हुए जो सोइल के ब्लू हेल कंपनी के चेन ने कोरिया कंपनी ऑफर किया इसे अपने जो है कंपनी है उसमें इसे शामिल। तो इसने वहां पर रहकर जो ब्लू होल का एक गेम डेवलप किया जो सेम पबजी था, पहले ब्लू होल इसका नाम था। उसमें क्या किया, जो पहले वो बनाया था उसे जो है वो बहुत ही बारीकी से उस गलती को पकड़ कर इस गेम को बनाया। तो एक ब्लू होल जो नाम अब जाके अभी पबजी नाम पड़ा। तो ये था पहले इसका ब्लू होल, जब ये पॉपुलर हुआ तो इसका नाम ये पड़ा। अब आप एक जान लेते हैं कि अब देखो जब उसने वो समय बनाया था इसे तो वो जो है पीसी के लिए था। हाँ, एक कंप्यूटर या हम जो है सिंपली पीसी बोलते हैं, तो पीसी के लिए इसने डिजाइन किया था गेम। अब क्या हुआ, जो इस गेम को पॉपुलर होने के लिए ये जो है चाइना ब्लू होल जो ये गेम है उसे चाइना के मार्केट में एंट्री होना था। तो हाँ, एंट्री होना इतना आसान नहीं है। तो आप जानते हैं कि उस जो चाइना के है उसे हम टेंशन नाम से जानते हैं, जो चाइना के मार्केट। दोस्तों यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ पबजी कर, तो यहाँ पर हमें खुल जाता है पबजी मोबाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पबजी कंपनी है टेंसेंट गेम के नाम से टेंसेंट कंपनी क्रिएट। ठीक, तो अब क्या इसे एंट्री होने के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन जब एंट्री होने के बाद इस जो गेम है उसे चाइना वालों ने अपने इसे मोबाइल के लिए डेवलपमेंट किया। जो पीसी के लिए बना था वो जो है चाइना में जो है मोबाइल, इसे हम बोल सकते हैं पबजी मोबाइल करके लॉन्च हुआ और वो एक मोबाइल के द्वारा चल सकता था, मोबाइल से चलने वाला एक गेम बनाया है। इससे पहले क्या था, पीसी के में ही काम करता था। तो यहाँ से इस गेम को आप बोल सकते हैं कि चाइना ने इस गेम को बनाया है, क्योंकि मोबाइल पबजी है वो चाइना से ही बना, क्योंकि टेंसेंट जो है ये जो ब्लू होल है उसे चाइना वाले ने जो टेंसेंट है उसने खरीदा था, मतलब कॉपी किया था जस्ट। तो इसके अगर ऑनर के ओनर की बात करें तो दोस्तों इसका ऑनर तो जो एडन है, लेकिन अगर इसे हम जो पबजी मोबाइल को अगर बोले कि कौन डेवलप किया है तो जो है डेवलपमेंट तो है, लेकिन जो डेवलप हुआ है वो टेंसेंट ने से हुआ है, यानी वहाँ से मार्केट से लॉन्च साथ साथ वहाँ ये जो है बहुत ही फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ। ये एक जैसे जैसे बढ़ता 5 मिलियन इसका एक डाउनलोड हो गया, 500 मिलियन और इसका करोड़ों स्टूडेंट, मतलब इस गेम का बढ़ते गए। तो दोस्तों चाइना में क्या हुआ, एक बैन हो गया। वो क्यों बैन हुआ, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे लोग थे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसका अपना हर काम धंधा छोड़ के इसी में करने लगे, तो वहाँ से इसे बैन कर दिया गया। लेकिन ये जो है अभी बाकी देशों में चल रहा है। ठीक, तो इसे अगर हम जो है इसे अगर हम इसे मोनेटाइजर के लिए कुछ खर्च पैसा करते हैं तो चाइना में ही जाएगा। तो दोस्तों ये तो है कि अगर देखें इसका ऑनर कोई और है, लेकिन इसे क्या चाइना वाले ने कॉपी किया है। ठीक, मोबाइल के लिए, तो अगर हम जैसे जो पबजी मोबाइल है उसे आप बोल सकते हो कि चाइना ने ही किया है, क्योंकि पबजी में जो भी फायदा होगा चाइना वालों को ही होगा। तो इस प्रकार से इतना से ये तो वो प्रॉब्लम फिक्स हो गया कि जो ऐप है वो चाइना वाले से, लेकिन इसमें आप जो इस ऐप में कोई खर्च मत करना, क्योंकि इसका जो प्रतिशत चाइना वाले को जाएगा। इतना तो कंफर्म हो गया दोस्तों कि चाइना वाले ने इसे कॉपी करके लॉन्च किया है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप जो इसे अनइंस्टॉल करें या ना करें। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी सच्चाई बता दिया है। अगर ये सच्चाई अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो इस वीडियो कर दे लाइक, हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे।